तो फाइनली दोस्तों आज मैंने अपना नया पीसी बिल्ड कर लिया है जो कि खास मैंने वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए किया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में शेयर करूंगा जो कि मैंने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज किया हुआ है और आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इन्हीं पार्ट्स को क्यों चूज किया। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पीसी बिल्ड मैंने खास वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए किया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो वीडियो एडिटिंग का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर करके दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर मैं ना सिर्फ इसका रेंडर टेस्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि रेंडर टेस्ट में आपको कभी भी इसका जो फुल पोटेंशियल है वो कभी पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका जो रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस है वो करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपको इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, कलर ग्रेडिंग, हैवी कलर ग्रेडिंग लट्स के साथ यूज करने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है वो आपको यहाँ पर देखना जरूरी होता है, ताकि अगर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। लेकिन उससे पहले मेरे छोटे से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही इन डेप्थ यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए अब हम प्रोसेसर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटेल की तरफ से आने वाला 12th जनरेशन i5-12600K प्रोसेसर को मैंने यहाँ पर यूज किया है। अगर हम इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं और आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग के लिए इस प्राइस रेंज में द बेस्ट प्रोसेसर इसे आप कह सकते हो। तो इस प्रोसेसर को चूज करने का और एक मेन रीजन ये है कि इसका जो IGPU, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हो तो IGPU की क्या जरूरत है, लेकिन आपको पता नहीं होगा दोस्तों इंटेल का जो IGPU है वो क्विकसिंक को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप HDR 264 या 265 जैसे वीडियो कोडेक के ऊपर काम करते हो तो प्रीमियर प्रो के अंदर जो इसका क्विकसिंक एनेबल हार्डवेयर डिकोडिंग के साथ आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो ये कुछ वीडियो कोडेक्स है जो हार्डवेयर एक्सेलरेटेड डिकोडिंग एंड एनकोडिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका जो वीडियो कोडेक है वो कौन सा है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हो आपका जो वीडियो कोडेक कौन सा है और इसका सबसैम्पलिंग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अगर आपके वीडियो कोडेक एंड सबसैम्पलिंग हार्डवेयर एक्सेलरेटेड डिकोडिंग को सपोर्ट करते हो तो आप इंटेल का IGPU वाला प्रोसेसर लेने से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है। तो वो था प्रोसेसर के बारे में, अब हम मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रोसेसर को मैंने इस Z690 मदरबोर्ड से पेयर किया है जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला गेमिंग X DDR4 मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड को चूज करने का मेन रीजन यही था दोस्तों कि यहाँ पर Z690 सीरीज में ये मदरबोर्ड मुझे थोड़ा वैल्यू फॉर मनी लगा क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरत है। और मेन रीजन ये है कि इसका जो ऑडियो कोडेक, इसके अंदर आपको ALC 1220 ऑडियो कोडेक देखने को मिलता है। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हो तो दोस्तों आपका जो ऑडियो कोडेक है वो बहुत ही अच्छा होना जरूरी है अगर आप हेडफोन या फिर ऑडियो डिवाइसेस को 3.5 mm जैक से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो। अगर आप USB से कनेक्ट करते हो तो ऑडियो कोडेक के ऊपर ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट मेन चीज जो है ऑब्वियसली यहाँ पर रैम, ये DDR4 रैम मैंने यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर मैंने टोटल 32 GB रैम को यहाँ पर इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज किया है जो कि 16 GB के दो स्टिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्सर की तरफ से आने वाले वेंजेंस LPX। अगर हम इस रैम की स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 32 MHz का जो फ्रीक्वेंसी वो देखने को मिलता है जो कि CL16 रैम है ये, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो 32 GB ही क्यों, जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों मैंने इस पीसी बिल्ड को खास वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए किया हुआ है, तो यहाँ पर 16 GB थोड़ा बॉटलनेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रीमियर प्रो अकेला ही यहाँ पर आपको 7 से 12 GB तक का रैम यूटिलाइज कर लेता है। तो मैं अगर और यहाँ पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर पावर कट हो रही है और इस टी शर्ट को मैं पिछले 3 दिनों से धो धो के पहन रहा हूँ। तो जितने भी कंपोनेंट्स इस पीसी बिल्ड के अंदर इस्तेमाल हुए उनके सारे बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बजट कम है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक 16 GB वाला एक रैम स्टिक ले लो, ना कि 8 GB वाले दो रैम स्टिक, क्योंकि अगर आप 8 GB के हिसाब से चलोगे तो दोस्तों वहां पर आपको ड्यूअल चैनल मेमोरी का तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स आपके मदरबोर्ड में 4 RAM स्लॉट्स होने की वजह से मैक्स टू मैक्स आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बाद में जाके आपको अपग्रेड करने में मुश्किल हो जाती है। अगर आप 16 GB के हिसाब से चलोगे तो 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो जो कि एक डिसेंट कैपेसिटी कह सकते हो 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर नॉन RGB वाला रैम यूज कर रहा हूँ, शायद अगर RGB वाला यूज करता तो 8K तक भी एडिट कर लेता शायद इस पीसी पे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता दोस्तों, RGB नॉन RGB परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं यहाँ पर नॉन RGB वाला यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर इंटेल के 12th जनरेशन प्रोसेसर को कूल करने के लिए आपको अच्छा खासा कूलर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिक्विड कूलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला मास्टर लिक्विड ML240L V2 ARGB वाला लिक्विड कूलर है दोस्तों। और इस लिक्विड कूलर को मैं चूज करने का मेन रीजन यही है कि इसका जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है, यानी कि आपको यहाँ पर आपको 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर के साथ कोई भी कंपेटेबिलिटी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगी और आपको अलग से ब्रैकेट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप किसी भी CPU के लिए, या चाहे वो Ryzen का हो या फिर इंटेल का हो, उसके लिए अगर आप एक लिक्विड कूलर को खरीदते हो तो यहाँ पर CPU सॉकेट कंपेटेबिलिटी है उसे कंपलसरी चेक कर लीजिए दोस्तों। ये आपके प्रोसेसर के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो LGA 1700 और ये जो लिक्विड कूलर है वो भी LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको कंपेटेबिलिटी इश्यूज देखने को नहीं।
नहीं मिलेगी। तो अब हम इस पीसी के सबसे मेन कंपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पर मैं एनवीडिया की तरफ से आने वाला लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड RTX 3050 का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि 8GB वीरैम के साथ आता है। और मेरे पास जो है Asus की तरफ से आने वाला ग्राफिक्स कार्ड है दोस्तों। अगर हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको ज्यादा ही महंगे ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड मोर देन एनफ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इस प्रोसेसर का जो IGP है उसे मैं हार्डवेयर डिकोडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि टाइमलाइन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, और जो भी ग्राफिक एक्सेलरेटेड इफेक्ट्स है जैसे कि कलर ग्रेडिंग्स एंड ट्रांजिशन और रेंडरिंग के लिए मैं इस ग्राफिक्स कार्ड को इस्तेमाल करूंगा। इससे मुझे थोड़ा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है एडिटिंग में। तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों यहां पर मैं 500GB का NVMe SSD का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, जो कि WD की तरफ से आने वाला WD-Blue SN570 मॉडल है इसका। तो इस SSD को मैं मेनली OS एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए यूज करता हूं, और बाकी के जो भी मैं प्रोग्राम फाइल्स होते हैं जो कि मैं एडिट करने वाला होता हूं उसे मैं SSD के अंदर कॉपी कर लेता हूं और वहां से एडिट करता हूं, ताकि मुझे थोड़ा बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और डाटा फाइल्स के लिए मैं यहां पर 2TB का हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूं, जो कि 7200 RPM पे बेस है। तो ये सारे PC को पावर अप करने के लिए मैंने यहां पर Corsair की तरफ से आने वाला CV750 पावर सप्लाई यूज किया है दोस्तों, जो कि 750 वाट्स का है। अगर मेरे PC स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चले तो यहां पर मुझे 650 वाट्स का पावर सप्लाई मोर देन एनफ हो जाता है, लेकिन मैं इन फ्यूचर यहां पर बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड या फिर कुछ कंपोनेंट्स को टेस्ट करने वाला हूं, तो मैं 750 वाट का पावर सप्लाई लिया हूं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर रहे कि पावर सप्लाई अच्छे ब्रांड का खरीदो, और यहां पर आपको 80+ ब्रांड सर्टिफिकेशन मिनिमम आपके पावर सप्लाई में होना चाहिए। अगर आपको केबल मैनेजमेंट अच्छे से करना हो और आपका डिसेंट लुक आपकी मेन प्रायोरिटी है तो आप डेफिनेटली मॉड्यूलर वाला पावर सप्लाई के साथ जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो जैसे कि आप जब से देख रहे हो, इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने इस कैबिनेट का इस्तेमाल किया है, और ये कैबिनेट कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला मास्टर बॉक्स MB511 ARGB कैबिनेट है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो सामने वाले तीन फैंस है वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आपको इस कैबिनेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ARGB सपोर्टेड है। तो इस कैबिनेट को यूज करने का मेन रीजन यही था दोस्तों कि मुझे एक अच्छा खासा एयर फ्लो चाहिए था, और मेरे जो टॉप में मैं 240ml का जो AIO है उसे इंस्टॉल करना चाहता था, तो उसके हिसाब से मैं इस कैबिनेट को चूज किया। आप कौन सा वाला भी कैबिनेट यूज कर सकते हो, लेकिन आप मेक श्योर रहे कि उसका एयर फ्लो अच्छा रहे, और आप जहां भी AIO को लगाना चाह रहे हो तो वहां पर आपको अच्छा खासा AIO के लिए प्लेसमेंट है या नहीं वो चेक करके आप एक कैबिनेट खरीद सकते हो। तो अब आप ही बताना कि इस कैबिनेट का लुक कैसा है, या फिर मुझे एक दूसरा वाला कैबिनेट खरीदना चाहिए था। इस प्राइस रेंज में इस कैबिनेट में भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है दोस्तों। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप पीसी बिल खुद से करना सीखना चाहते हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। अगर वो वीडियो अभी तक बन चुका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप एक काम करो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो जब भी बने आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूं स्क्रैच से लेकर केबल मैनेजमेंट तक पीसी बिल्ड कैसे कर सकते, स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो अपने SD कार्ड को कनेक्ट करने के लिए मैं यहां पर ट्रांसगेन का कार्ड रीडर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर आप फोटो एंड वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें तो आपको एक कलर एक्यूरेट मॉनिटर होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, आपको भी पता होगा। तो मैं यहां पर LG का मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका भी एक इन डिटेल रिव्यू आने वाला है दोस्तों। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, तो अब हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। तो चलिए हम टेस्ट शुरू कर लेते हैं। ओके, तो ये कुछ फाइल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमलाइन परफॉर्मेंस, कोई भी इशू नहीं आ रहा, 0 frame drops, फुल रिजोल्यूशन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा CPU यूटिलाइजेशन 5% ही हो रहा है, और मेरा ग्राफिक्स कार्ड का यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 23% में अगर प्रीमियर प्रो बंद करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर दोस्त डिस्प्ले है और OBS भी रन हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके लिए यहाँ पर 20% 30% यूटिलाइजेशन हो रहा है। और मेरा जो GPU है वो हार्डवेयर डिकोडिंग का काम कर रहा है, यहाँ पर आप 4% देख सकते हो। और वीडियो डिकोडिंग में मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो कि RTX 3050 है, वो 0% यहाँ पर वीडियो डिकोडिंग में वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा वीडियो डिकोडिंग में यहाँ पर जो मेरा इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है IGPU वो काम कर रहा है दोस्तों। ओके, मैं इसे पॉज कर देता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो IGPU है अब 0% यूटिलाइज हो रहा है, और मैं पॉज करने के बाद भी मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड और डिस्प्ले यहाँ पर यहाँ से रन हो रहा है। ओके, CPU यूटिलाइजेशन 0 है। अब मैं इसे ऑन करते ही, प्ले करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो IGPU का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है, IGPU यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब आप बोल रहे होगे कि आप टाइमलाइन खाली प्लेन टाइमलाइन रख रहे हो, थोड़ा मल्टीलेयर टाइमलाइन अगर आप रहा तो वहाँ पर इश्यू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और बाकी के मैं इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग तो करके दिखाने वाला हूँ, वे 4 फुटेज है। मैं प्ले करने के जाऊँगा ना, तो यहाँ पर ऊपर वाला लेयर ही यहाँ पर प्ले हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसका मल्टी लेयर परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, मल्टी कैमरा में जाके चेक करेंगे।
ओके नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टी कैमरा को एनेबल करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, एट अ टाइम चार फ्रेम से वो प्ले हो रहे हैं। ओके प्ले कर गया एक था। तो यहाँ पर इवन तो चार कैमराज भी है ना दोस्तों, यहाँ पर स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। अब आई जी पी ओ का जो यूटिलाइजेशन है 13% जा रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा लेयर्स लगा लूँगा तो भी मेरे को आई जी पी ओ ये आसानी से मुझे वीडियो डिकोड करके देगा दोस्तों। मल्टी लेयर टेस्ट ऐसा करना हो दोस्तों, आप ऐसा करके ऊपर 100, 150, 300 अगर लेयर लगा लोगे ना, सिर्फ एक ही लेयर प्ले होगा तो वहाँ पर आपका मल्टी लेयर का परफॉर्मेंस मालूम नहीं होगा। अब मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, एडिट करते वक्त ये देखो कितना फास्ट एडिट हो रहा है। मैं कितना भी फास्ट एडिट कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। यहाँ पर स्क्रबिंग भी देख सकते हैं आप फास्ट, इवन 100% मैं यहाँ पर कितना फास्ट कर रहा हूँ। तो अभी जीरो फ्रेम ड्रॉप्स एंड फुल रेजोल्यूशन। अब हम थोड़ा इफेक्ट्स वगैरह डाल के देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। मैं रैंडमली अप्लाई करते जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रांजिशन का एक अप्लाई किए ये वो बोल के यहाँ पर नहीं बोलने का दोस्तों। स्मूथ परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये हैवी ट्रांजिशन है इसलिए यहाँ पर रेड मार्क आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर रेंडर भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे जीरो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहा है और फुल रेजोल्यूशन में प्ले हो रहा है दोस्त। मैं स्क्रब भी कर सकता हूँ। ओके अब हम क्या करेंगे, मोशन ग्राफिक्स के इफेक्ट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर चलो सब्सक्राइब बटन डाल लेता हूँ। वैसे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब यहाँ पर ये डालते कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा रेड कलर हो गया है, ये जो मार्क रेड कलर हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रेम ड्रॉप कर रहा है? नहीं दोस्तों बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर ऑलरेडी नीचे एक ऑलरेडी एक ट्रांजिशन है उसके ऊपर इफेक्ट है ये देखो, फिर भी यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिल रहे। फुल रेजोल्यूशन में क्लियर हो रहा है। अगर आप ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हो तो ग्रीन स्क्रीन के वीडियोज़ आपके पास है तो वहाँ पर भी कैसा है परफॉर्म कर रहा है वो भी देख लेंगे दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन का फुटेज ये है, ये ग्रीन स्क्रीन का फुटेज है। यहाँ पर आप इफेक्ट कैसा कर रहा हूँ ये देखो मत, क्योंकि मुझे फास्ट करना है। ओके और उसके नीचे बैकग्राउंड भी आ गया ये देखो ग्रीन स्क्रीन का भी। यहाँ पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कुछ क्लिप्स स्लो मोशन के क्लिप डाल लेंगे तो ये स्लो मोशन आपको पता ही होगा 60 FPS या 50 FPS पे डालोगे उसके बाद स्लो डाउन करना होता है। ये फुटेज है इसे स्लो डाउन करेंगे 50%। ओके तो यहाँ पर आप देखते फिर भी जीरो फ्रेम ड्रॉप्स। और एक क्या करेंगे स्टेबलाइजर, चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर किसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है वो देखेंगे। ओके ये हो गया दोस्त स्मूथ, एकदम बटरी स्मूथ जीरो फ्रेम ड्रॉप्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे। हैवी कलर ग्रेडिंग का चेक करते हैं तो यहाँ पर तो मैं REC 79 का यहाँ पर लट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके आप ये कैसा है वो उसके ऊपर नहीं जाना दोस्त, मैं खाली आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्क्रॉल में मैं 1% भी ऐसा 1% कम भी ले जाऊँ या फिर 1% ज़्यादा ले जाऊँ या फिर इसे 100% करूँ या फिर इसे -100% कर दूँ, सेम इफेक्ट पड़ता है अपने कंप्यूटर के ऊपर। ओके ऐसा नहीं है कि मैं 1% लगाऊंगा तो कम कलर अप्लाई होगा तो यहाँ पर कंप्यूटर का रिसोर्सेज कम यूज़ होगा, मैं 100% करूँगा तो 100% यूटिलाइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। यहाँ पर इस इफेक्ट को मैंने छुआ मतलब ये इफेक्ट लग चुका है, इसको जीरो पर रहने पे ये इफेक्ट नहीं लगा तो यहाँ पर कंप्यूटर का रिसोर्सेज नहीं होता। लेकिन 1% करो या फिर 100% करो, चलो आपको लेके आया है आपको 100% करके दिखा देता हूँ पूरा। ओके अब रैंडमली यानी कि यहाँ पर कलर ग्रेडिंग में इतने इफेक्ट्स तो कोई यूज़ नहीं करते। ओके यहाँ पर और एक लट यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर ए वाला लट ये कलर ग्रेडिंग के लिए, वो कलर करेक्शन के लिए होगा या कलर ग्रेडिंग के लिए। ओके सारे लट सारे इफेक्ट्स बोल तो हाई एंड हो गया दोस्तों, अभी ये हले हाई एंड कलर ग्रेडिंग हो गया। ऐसा नहीं है कि खाली मैं ब्राइटनेस बढ़ा दिया या फिर कॉन्ट्रास्ट को कर दिया या फिर थोड़ा कलर ऐड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर ग्रेडिंग के ऊपर मत जाना आप, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स इतने से इससे ज़्यादा कलर ग्रेडिंग तो कोई नहीं करेगा क्योंकि सभी मैंने ऑलमोस्ट कलर ग्रेडिंग में जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। ओके टील एंड एवरेज लुक भी यूज कर लेंगे। इफेक्ट्स ऑलरेडी अप्लाई है दोस्त फिर भी जीरो फ्रेम ड्रॉप्स एंड फुल रेजोल्यूशन पे प्ले हो रहा है। यहाँ पर 1248 MB की वीडियो फाइल है और 16 मिनट्स का है। ओके अभी इसे रेंडर करके देखेंगे।
तो यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम कितना बता रहा है, हैवी कलर ग्रेडिंग यूज़ करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर 6 मिनट का टाइम बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड रेंडरिंग के लिए मैं ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहा था, मैं इसे पहले बताया था, यहाँ पर मेरा ग्राफिक्स कार्ड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा दोस्तों, रैम 14 GB। आप ज़्यादातर लोग क्या समझते हो कि यहाँ पर फाइल साइज कितनी बड़ी होती है और जो वीडियो लेंथ कितना बढ़ाते हैं उससे रेंडरिंग पे टाइम पड़ता होगा बोल के आप एक सिंपल वीडियो को एडिट कर रेंडर करके देख के हाँ जल्दी फास्ट कर ले रहा है ना बोल के आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 60 मिनट एंड 1248 MB का जो वीडियो फाइल है, ओके। अगर मैं इफेक्ट्स निकाल दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं खाली मैंने कलर ग्रेडिंग का इफेक्ट यहाँ पर आप किया है, वो पूरे बाकी का ऐसे ही है, ट्रांजिशन वगैरह पूरे ऐसे हैं। अगर मैं जब अब जाके करूँ तो देखो यहाँ पर 1248 MB और 60 मिनट का सेम है। अब इसको इतना कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 मिनट लग रहा है दोस्तों, यानी कि फाइल साइज और जो वीडियो लेंथ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें कितने इफेक्ट्स लगे हुए उसके हिसाब से रेंडर टाइम मालूम होता है। ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, मैकेनिकल कीबोर्ड वर्सेस मेम्ब्रेन कीबोर्ड का वीडियो है, इसे मैं मेरे पुराने लैपटॉप में एडिट किया था। वहाँ पर एडिट करते वक्त मैं क्या करता था, इसे कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन दोनों को ऑफ करके प्ले करता था, क्योंकि अगर ये दोनों ऑन है तो वो प्ले नहीं होता था दोस्तों, वो बहुत स्टक हो जाता था। मैं इवन तो मैं 1/2, 1/4 क्वालिटी पे भी लगाऊंगा तो भी वो यहाँ पर प्ले नहीं होता था दोस्तों, बहुत चपचपी प्ले होता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के साथ भी यहाँ पर 0 frame drops एंड फुल रिजोल्यूशन में प्ले हो रहा है। इवन तो यहाँ पर जो इसका कलर ग्रेडिंग के बाद भी जो इफेक्ट्स है लोअर थर्ड है वो भी अच्छा आसानी से प्ले हो जा रहा है। इवन तो यहाँ पर रेड मेंशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो इसका फाइल साइज है 699 MB है और 5 minutes 42 seconds का ये वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को इवन तो इस वीडियो को मैं वहाँ पर रेंडर करने गया था तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम लगा था। अब यहाँ पर देखेंगे इसी वीडियो को, मैं हार्डली 2 मिनट्स लग रहा है दोस्तों। तो ये था पूरा फुल HD वीडियो एडिटिंग में कैसा परफॉर्म करता है। अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग का भी परफॉर्मेंस टेस्ट जानना हो तो दोस्तों नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर 500 लाइक्स का टारगेट रीच हो जाता है तो उसके बारे में भी इन डिटेल रिव्यू में बना के रख दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके कोई भी सवाल या फिर सुझाव तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।